हेलो गाइस, माय नेम इज़ रविंद गंगवार और आपके मेरे तीसरे ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम शिवद्वार चित्रशिला तीर्थ की तरफ निकल रहे हैं और ये द्वार, ये देखिए इसका द्वार लगा हुआ है यहाँ पर पीछे की तरफ, और बाकी लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, और मैं आपको नीचे का व्यू दिखाते रहता हूँ। ये देखिएगा इस नीचे का ये व्यू है, ये ऊपर का व्यू है, बादल दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए वो पहाड़ है, ये नीचे की व्यू है, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। शायद वहाँ पर बगल में शायद नदी बह रही है बहुत बड़ी, वो थोड़ा पास से जाके व्यू दिखाता हूँ। मूर्ति विसर्जन भी है यहाँ, मूर्ति वगैरह दुर्गा माता की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा धस रहा है पानी यहाँ पर, जूते वगैरह रख रहा हूँ तो जूते अंदर तक भीग जा रहे हैं। ये देखिए मेरे भाई सिस्टर वगैरह है वहाँ पर, वो सब एक साथ फ़ोटो वोटो खिंचाने में बैठते हैं सब। ये देखिए नदी का पानी देखिए आप, देखिए व्यू देखिए उधर के साइड का, ये फ्रंट का व्यू है, यहाँ से वो उधर की साइड दिख रही है आपको, वहाँ से रोड गई है, रोड जो है उधर की साइड जाती है, मतलब बरेली रोड की साइड मिलती है वो, डायरेक्ट वहाँ के लिए निकल जाती है यूपी साइड के लिए। और जो ये नदी आ रही है शायद पहाड़ों के बीच से आ रही है उधर, नैनीताल वगैरह उधर भीमताल वगैरह से उधर से साइड से आ रही होगी। और ये इसके बगल का व्यू है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, पहाड़ों का व्यू, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं ऊपर, और ये साइड का व्यू दिखा रहा है जहाँ से हम लोग आए हैं अभी, ये वाला रास्ता है, ये वाले रास्ते से हम उधर की ओर, उधर से निकलते हुए पीछे की ओर से आए हैं उधर से। ये लोग अभी पानी का व्यू का मज़े ले रहे हैं, देखिए वो फोटो खिंचाने में व्यस्त है अभी, वो देखिए मूर्ति एक जा रही है, वो देखिए वहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, मूर्ति विसर्जन शायद कितने करी हो तो मूर्ति वगैरह यहाँ से जा रही है, वहाँ देखिए दो बंदे और एक बंदे वगैरह खड़े हैं वहाँ, थोड़ा और पास से जाके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये पत्थर वगैरह यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, लकड़ी वगैरह भी है, पत्थर वगैरह भी है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा और पास से दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर से, ये देखिए लहर है, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है, शायद आप खड़े हों तो खड़े भी ना हो पाएँ, तो आपको बहा के ले जाएगी अपने साथ, काफ़ी तेज़ है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है अभी, तो वैसे भी ऑब्वियसली के नदी में स्पीड बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, पानी की लहरों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए यदि ऐसा कुछ होता तो मैं अभी अंदर जाता और आपको दिखाता, लेकिन जो लहरें हैं ये काफ़ी तेज़ी स्पीड से जा रही हैं, तो अभी मैं शायद अंदर नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि जो बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में काफ़ी ज़्यादा लहरों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, इसलिए देखिए वहाँ पर वो छाता ले रखा है अभी हमने, हल्द्वानी से छाता लिया था क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश के चक्कर में छाता ले लिया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर कम बारिश हो रही है, कम क्या थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, ना के बराबर बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। मैंने एक रेनकोट जो पन्नी वाला रेनकोट था वो स्पेशली खरीद लिया था जिससे कि मैं भीगूँ ना, इसलिए मैं यहाँ आ गया था। देखिए व्यू दिखा रहा है, यहाँ फ्रंट का व्यू है, ये पीछे का व्यू है, शायद आप लोग को अच्छा लगे। हेलो गाइस, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, यदि आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे प्लीज़ जरूर बताइएगा, कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा वीडियो में ये प्रॉब्लम है या क्लियरिटी अच्छी नहीं है या कोई और प्रॉब्लम आपको लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूं और आपको नई नई चीज़ें जगह आपको दिखा सकूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बनने के लिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरी वीडियो को।